उपद्रव में मेरा स्पष्ट कहना है कि जो वर्तमान मुखिया हैं उनके समर्थक थे, जो मुखिया कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं हमारे पड़ोसी हैं रंजीत सर उनका नाम है, मुझे डर नहीं लगता है उनके खिलाफ़ बोलने में, उनका आदमी था, इनका आदमी इसलिए विरोध कर रहा था कि हमारा विजय हो जाए, हमारा लोग बुझे कि हमारा उम्मीदवार जीत रहा है। वर्तमान मुखिया का जो समर्थक था वो तो था ही, दोनों में अपना झड़प हुआ है। दोनों आदमी का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी तरह ही जनता अदालत दादूपुर पंचायत में सफल नहीं हो ताकि हमारा पोल खुल जाए। तो ये बता रहा है कि उनका मंशा जनता का सेवा करना नहीं है, माल कमाना है, कुर्सी पर जा करके हम जीते। वो जिसके समर्थन में युवक होगा वैसा उम्मीदवार है जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, युवक को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्रिमिनल माइंडेड युवक को एकत्र करके हल्ला गुल्ला बवाल करवाने का काम कर रहे हैं। वैसे प्रत्याशी के सह पर वैसा युवक जो है इस बात को बोला, लेकिन हमको थोड़ा तकलीफ नहीं होता है, चूँकि युवक हमारा बेटा भतीजा पोता है, उसके प्रति हमारा सम्मान है। वो जानेगा, जब जानेगा हमसे व्यक्तिगत, उसको जब बातचीत होगा वो समझेगा, रिकॉर्ड देखेगा, तब वो फिर जगह पकड़ लेगा। कल जापान में चैनल पर लोग देखेंगे और समझेंगे कि पंचायत में मूलभूत समस्या क्या बाकी है, कि कौन काम हुआ नहीं हुआ, मैंने जानकारी होता। लेकिन उपद्रवी लोग अगर ऐसा नहीं करने दिए तो उनके समाज के प्रति, पंचायत के प्रति कोई विकास के संबंध में उनका सोच नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो सिर्फ झूठा वादा कर रहे हैं हमारे जनता के। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार, मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेवाक सच के साथ। अभी हम चुनावी यात्रा में हैं और चुनावी यात्रा में पहुंच चुके हैं बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत दादोपुर पंचायत, और दादोपुर पंचायत से इस बार त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में 10 मुखिया प्रत्याशी हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 से 4 पंचायत समिति उम्मीदवार हैं और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 से 8 पंचायत समिति उम्मीदवार हैं। साथ ही सरपंच प्रत्याशी 6 हैं और हम आपको दादोपुर पंचायत की भौतिक स्थिति से भी अवगत करा रहे हैं और साथ ही विभिन्न प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू भी करा रहे हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आप जो चुनावी मैदान में आए हैं आपका आने का मकसद क्या है, और हम जब चर्चा करते हैं तो चर्चा के साथ ही जब वह कहते हैं कि हम पंचायत के विकास के उद्देश्य से चुनावी मैदान में आए हैं, तो कहीं ना कहीं वह जो कहते हैं क्या वह वादा तो नहीं है। अभी हम जहां मौजूद हैं, हमारे साथ पूर्व मुखिया गिरधारी राय हैं और इस बार इनकी पत्नी यानी विभा देवी मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या आप किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में आए हैं, और आप स्वयं पूर्व मुखिया इस पंचायत के रहे हैं तो आपके कार्यकाल में क्या इस पंचायत में विकास कार्य हुआ या नहीं। मैं आपको बता दूं कि बीटी न्यूज बिहार के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कल यानी 25/11/2021 को दादोपुर पंचायत में जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जब वहां प्रत्याशी सवाल के घेरों में दिखते गए तो उनके समर्थकों के द्वारा वहां उपद्रव मचाना शुरू हो गया और कार्यक्रम को भंग कर दिया गया। हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार जिस तरह से कल कार्यक्रम को भंग कर दिया गया और प्रत्याशी सवाल के घेरों में दिखते रहे, हम उस बात पर भी पूर्व मुखिया से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार फिर आप चुनावी मैदान में, आपकी पत्नी चुनावी मैदान में हैं, उनका क्या उद्देश्य है, और आप कल जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे उस कार्यक्रम में जो उपद्रवियों के द्वारा जो कार्यक्रम भंग किया गया उस पर इनका क्या विचार है। सर्वप्रथम बीटी न्यूज बिहार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बीटी न्यूज बिहार आपका स्वागत करता है। धन्यवाद श्रीमान। आप मुझे ये बताइए कि आप इस पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं और अभी वर्तमान में आपकी पत्नी मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं, उनका क्या उद्देश्य है चुनावी मैदान में आने का? चुनावी मैदान में आने का मुख्य उद्देश्य है कि हमने जो 10 साल कार्य किया अपने समाज जनता के बीच में, उसमें जो वर्तमान में जो मुखिया पद पर आए बहुत गरीब के साथ, बहुत
बुद्धिजीवी के साथ मान सम्मान का सवाल हो, सरकारी लाभ का सवाल हो, उसमें उन्होंने भेदभावपूर्ण बर्ताव किया, जिससे जनता के बीच एक आक्रोश है और जनता के आक्रोश को हमको आशीर्वाद के रूप में जनता के द्वारा, गरीब गुरबा के द्वारा कहा गया कि मुखिया जी इस बार आप चुनाव लड़िए, नहीं तो गरीब गुरबा का प्रतिष्ठा नहीं बचने वाला है। उनके इस विचार से सहमत होकर इस बार हम अपने पत्नी को फिर मैदान में उतारे हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में, और हमारे द्वारा जो किया गया काम है उसका लाभ और आशीर्वाद के रूप में, लाभ आशीर्वाद के रूप में हमारे धर्मपत्नी विभा देवी को बहुत बहुसंख्यक वोट के रूप में मिलने जा रहा है, जो 10 तारीख के काउंटिंग के बाद पता चलेगा। कुछ ऐसे विचारधारा के प्रत्याशी खड़ा है जिनका सोच है माल कमाना, उनके ऊपर ड्यूज है, कर्जा है, उसी उद्देश्य से चुनाव मैदान में आए हैं। कुछ ऐसे उम्मीदवार है जो जमीन बेच करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी स्थिति जो है यह बता रहा है कि उनका मंशा जनता का सेवा करना नहीं है, माल कमाना है, कुर्सी पर जा करके हम जीत जाएंगे तो कर्जा सज जाएगा, फिर जमीन बना लेंगे। कहने के लिए वो कहते हैं कि हम जनता के सेवा के उद्देश्य से आए हैं, लेकिन वास्तविक में उनका उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा कि मैं 10 साल भी निस्वार्थ ढंग से, अच्छे ढंग से समाज के बीच में काम किया, जिसका परिणाम है कि आज हमारे छप्पर पर तिरपाल है। हमने कभी शोषण या गलत ढंग के स्टेप में नहीं गए, और यही जो है सहानुभूति जनता का इस बार हमको वोट के रूप में अपने हमारे पत्नी को मिलने जा रहा है। हम आश्वस्त हैं अपने समाज पर, अपने मतदाता गण पर पूरा विश्वास है कि हमको अधिक से अधिक आशीर्वाद देके हमको फिर सेवा करने का मौका प्रस्तुत करें। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आपका 10 वर्ष कार्यकाल इस पंचायत में रहा है मुखिया प्रत्याशी के रूप में, आपने इस पंचायत को अपने कार्यकाल में क्या क्या दिया? मैंने अपने कार्यकाल में जब 2006 में कुर्सी पर समाज के द्वारा, जनता के द्वारा बिठाए गए, तो सर्वप्रथम हमने यहाँ उस समय में BPL APL का कार्यक्रम चल रहा था, शिक्षक बहाली को हमने नज़रअंदाज कर दिया, 19 सीट हमारे यहाँ था, उसके तरफ हम थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए, और BPL APL लाल कार्ड, पीला कार्ड, तेल कार्ड में हमने 72 घंटा भूखे रह करके समय दिया, और लगभग 1500 के लगभग लाल कार्ड, 500 के 495 यानी 500 के लगभग पीला कार्ड, 1200-1300 वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लाने का काम किया, अनुसूचित जाति यानी कहने का मतलब है हरिजन जाति के लोगों के बीच हमने अपने कार्यकाल क्षेत्र में सारे लोगों को इंदिरा आवास मुहैया करा दिए। इतना ही नहीं, 1400-1500 के लगभग जॉब कार्ड गरीबों के बीच बनवाए, उपलब्ध राशि, चूँकि हमारे समय में राशि का संख्या बहुत कम था, फिर भी हमने जो राशि हमारे पास उपलब्ध था, मनरेगा का हो, 14वीं हो 13वीं हो, मैं इससे हमने मिट्टीकरण, सोलिंग, PCC ढलाई का काम अपने समाज में किए हैं, जो अभी भी वर्तमान में भी लोग देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि कल आपके पंचायत में जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस अदालत में जब हमने यह सवाल आपसे पूछा और उस सवाल को आपने रखा, उसका जवाब दिया, तो फिर वहाँ जो कुछ जनता थे वह आपका विरोध कर रहे थे कि आपके समय में कुछ नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मेरा कहना है कि जो ऐसे युवक थे जिनको न समाज के बारे में, न पंचायत के विकास के बारे में कोई अनुभव नहीं है, जो आपको उम्र बताए कि हमारा 18 साल उम्र है, जिस युवक का 28 साल उम्र है, मान लीजिए 10 साल हम का मुखिया रहे तो उस समय में उनका उम्र जो है सो 18 होगा, फिर 5 साल ही गया 15 साल, कहने का मतलब है जो उसका 13 साल का उम्र होगा, 13 साल में वो बच्चा या तो कन्वेंट में पढ़ता होगा या गांव से कहीं अन्यत्र बाहर होगा, उसको क्या पता है कि पूर्व मुखिया इतना काम किए, उनको उसके दिमाग में आ गया होगा कि झूठ बोल रहे हैं। वो जिसके समर्थन में युवक होगा वो ऐसा उम्मीदवार है जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, युवक को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्रिमिनल माइंडेड युवक को एकत्र करके हल्ला गुल्ला बवाल करवाने का काम कर रहे हैं। वैसे प्रत्याशी के सह पर वैसा युवक जो है इस बात को बोला, लेकिन हमको थोड़ा तकलीफ नहीं होता है, चूँकि युवक हमारा बेटा भतीजा पोता है, उसके प्रति हमारा सम्मान है, वो जानेगा, जब जानेगा हमसे व्यक्तिगत, उसको जब बातचीत होगा वो समझेगा, रिकॉर्ड देखेगा, तब वो फिर जगह पकड़ लेगा।
कल जनता की अदालत में कुछ जब हम प्रत्याशियों से सवाल कर रहे थे, उस सवाल के बाद वहाँ उपद्रव मचाया गया। इस उपद्रव जो मचाया गया उस पर आपका क्या कहना होगा? उपद्रव में मेरा स्पष्ट कहना है कि जो वर्तमान मुखिया हैं उनके समर्थक थे, जो मुखिया कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं हमारे पड़ोसी हैं, रंजीत सर उनका नाम है, मुझे डर नहीं लगता है उनके खिलाफ बोलने में, उनका आदमी था, इनका आदमी इसलिए विरोध कर रहा था कि हमारा विजय हो जाए, हमारा लोग बुझे कि हमारा उम्मीदवार जीत रहा है। वर्तमान मुखिया का जो समर्थक था वो तो था ही, दोनों में अपना झड़प हुआ है। दोनों आदमी का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी तरह ही जनता अदालत दादूपुर पंचायत में सफल नहीं हो ताकि हमारा पोल खुल जाए। कल जो बीटी न्यूज बिहार के माध्यम से जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस कार्यक्रम से आप कितने सहमत हैं और उन उपद्रवियों के बीच आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उससे हम बहुत खुश थे कि हमारे पंचायत में आज तक जो है इस ढंग का कार्यक्रम नहीं हुआ था, और इसलिए भी खुश थे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पंचायत का समस्या, कैंडिडेट का विचार पूरा जो है प्रचार होगा, पूरा बिहार में, पूरा हिंदुस्तान में चैनल पर लोग देखेंगे और समझेंगे कि पंचायत में मूलभूत समस्या क्या बाकी है, कि कौन काम हुआ नहीं हुआ, मैंने जानकारी होता। लेकिन उपद्रवी लोग अगर ऐसा नहीं करने दिए तो उनके समाज के प्रति, पंचायत के प्रति कोई विकास के संबंध में उनका सोच नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो सिर्फ झूठा वादा कर रहे हैं हमारे जनता के बीच में। यानी आपका कहना है कि निवर्तमान मुखिया एवं वर्तमान मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने इस तरीके की उपद्रव मचवाने का काम? हाँ, जो वर्तमान मुखिया है उनका समर्थक थे, और जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे ग्रामीण हैं उनका जो है समर्थक युवक थे, दो ही थे, तीसरा कोई उम्मीदवार का समर्थक उसमें उपद्रव करने का काम नहीं किया। सिर्फ यही दो लोग थे और इन दोनों का पत्ता भी साफ होने जा रहा है समाज में। पंचायत के लोग जो हमारे जनता हम घूम रहे हैं, हम उनके एक्टिविटी से देख रहे हैं कि दोनों आदमी का कहीं कोई माने सफलता मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी आपका कहना बिल्कुल यही है कि इनके द्वारा ही उपद्रव मचवाया गया था। हाँ, इनके द्वारा ही उपद्रव जानबूझ करके मचवाया गया। अब आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, यदि उनको सफलता मिलती है तो आप दादोपुर पंचायत यानी उनके माध्यम से दादोपुर पंचायत की जनता के लिए प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारा प्रथम प्राथमिकता होगा शिक्षा पर, कि हमारे पंचायत अंतर्गत जो हमारे समय में 5 प्राइमरी स्कूल हमने लाया बनवाया, इसके अलावा पूर्व से जो बना हुआ उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, सभी विद्यालय में अनुशासन सहित अच्छा पढ़ाई हो, इस पर मेरा पहला फोकस होगा। सबसे पहला फोकस होगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो कल यानी कल दादोपुर पंचायत में जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस कार्यक्रम में यह भी उपस्थित थे और इनकी पत्नी विभा देवी भी उपस्थित थे। साथ ही इस पंचायत में जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, हमने सभी उम्मीदवारों को आमंत्रण किया था, और कल वह जो अदालत थी उस अदालत को जनता की अदालत कार्यक्रमों को कुछ उपद्रवियों के द्वारा भंग कर दिया गया था। इन्होंने बताया कि आपने इनके मुख से सुना कि दो प्रत्याशी यानी निवर्तमान प्रत्याशी और वर्तमान मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों ने कल जनता की अदालत कार्यक्रम को भंग करने का ऐलान करते हुए भंग किया, और इस तरह से वहां का माहौल था आप खुद देख सकते हैं कि टेबल कुर्सी अन्य गाली गलौज किया जा रहा था और नारे दिए जा रहे थे, विभिन्न गंदी गंदी नारों के साथ वहां कल उपद्रव मचाया गया, एक दूसरे के बीच द्वेष भावना के साथ कार्यक्रम को स्थगित करवाया गया। आप मुझे बता सकते हैं क्या यह जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के बाद क्या पुनः फिर अगर यादवपुर पंचायत में इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो इससे आप कितने सहमत होंगे? फिर अगर कार्यक्रम आपके द्वारा होगा तो मैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जगह चेंज कर दिया जाएगा, उस जगह नहीं होना चाहिए। हमारा पहले का पंचायत भवन है, वहाँ जो है सो पूरा फील्ड भी है, हमारे द्वारा जो है गड्ढा का समतलीकरण कराया गया था और फील्ड भी है, वहाँ आपका सुरक्षा होगा। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे अगर संभव होता है तो प्रशासन के लोग हमारे थाना प्रभारी रहें या थाना के कोई स्टाफ रहें ताकि जो विधि व्यवस्था सही रहे।
और हम ये चाहते हैं कि आप दोबारा कीजिए, चूंकि हमारा पंचायत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीब गुरबा की संख्या ज्यादा है और शिक्षा का अभाव है, फिर भी कंसर्स लोग हैं, तो उससे जो है सो मीडिया का भी प्रभाव उनके बीच जाएगा और ज्वलंत समस्या जो हमारे पंचायत अंतर्गत है वो जो है सो मैंने प्रचार प्रसार होगा, बिहार के पैमाना पर, देश के पैमाना पर दादूपुर का रिकॉर्ड जाएगा, इससे हमारे समाज को, हमारे पंचायत को जो है सो विकास में मैंने अच्छा सहयोग मिलेगा और इसी कड़ी में जो है सो हम यही सब कहना चाह रहे हैं। चले बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ दादोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया गिरधारी राय थे और इनकी पत्नी विभा देवी इस बार चुनावी मैदान में, और इनका उद्देश्य है समाज की सेवा करना और पंचायत का विकास करना। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्षेत्र की भौतिक स्थिति क्या है और हम प्रत्याशियों से आपको रूबरू करा रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार आप किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में हैं। साथ ही बिटनिज बिहार के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को जानकारी मिले कि आपके पंचायत में क्या विकास कार्य हुआ और क्या क्या होना चाहिए था। और कल दादोपुर पंचायत में जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कुछ मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों के द्वारा। जब हम मुखिया प्रत्याशी से सवाल कर रहे थे, जब वह सवाल के घेरों में दिखते रहे, तो उसके बाद उनके समर्थक उपद्रव मचाना शुरू कर दिए। हम आपको लगातार इस क्षेत्र की एक एक भौतिक स्थिति से अवगत कराएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार दादोपुर पंचायत का जो विकास कार्य हुआ वह सिर्फ